हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग नंबर सिस्टम कन्वर्जन। एक नंबर सिस्टम नू दूसरे नंबर सिस्टम दे विच किस तरह कन्वर्ट करना है वो अज आप डिस्कस करांगे। सब तो पहला आप देखते हैं अदर बेस इनटू डेसिमल। आप चार तरह के नंबर सिस्टम किए सी, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। ठीक है, आप आज की करांगे ए वाले सारे नू डेसिमल दे विच किवें कन्वर्ट करना है। आप बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नू डेसिमल दे विच किदा कन्वर्ट करना है। ठीक है, सब तो पहला आप देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी नू डेसिमल दे विच किस तरह कन्वर्ट करना है। ठीक है, आप कोई भी बाइनरी नंबर ले लें, बाइनरी का बेस कितना होता है 2, डेसिमल का है 10। ठीक है, आप ए वाला बेस कंसिडर करना है। ठीक है, जिदे जो आप कन्वर्ट करना है, अपने कोई भी बाइनरी नंबर है 1010.10। ठीक है, ये हैगा बाइनरी नंबर, मतलब की है यदा बेस की है 2, बेस आप बाहर लिखते होंगे बेस 2 है। ठीक है, इनू आप कन्वर्ट करना है, ये आप कन्वर्ट करना डेसिमल नंबर सिस्टम के। ठीक है, तो ये की होंगे बेस 2 है। ठीक है, आप प्लेस वैल्यूज डिस्कस कीतियां सीगियां के पॉइंट तो इधर की होगा 2^0 प्लेस वैल्यू होगी, फिर 2^1 होगी, फिर 2^2 होगी, इस तरह। ठीक है, तो पॉइंट इधरले पास 2^-1, 2^-2, इदा कंटिन्यू। ठीक है, तो ये की है बेस से 0^2, तो पॉइंट तो इधरले पास की है -1, -2। ठीक है, हूँ अपना यदा बेस 2 है, ए वाले प्लेस वैल्यू नु की करना है 0 है, 0 केड़ी पोजीशन पे है, 0 पोजीशन पे है, तो की करना है मल्टीप्लाई बाय 2^0। समझ लग गई? ठीक है, ओ वाले डिजिट नू जेड़ी प्लेस पे है वो दे बेस ना मल्टीप्लाई करना है 2^0। ठीक है, सॉरी ये तो हैगा अपना डेसिमल तो बाद वाला, आप इधरला देखना है। ठीक है, ए 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2^0 प्लस। ठीक है, हुण आ वाला ए केड़ी पोजीशन पे है, 1 की पोजिशन पर है, 1 की मल्टीप्लाई करना है 0, 1 वाली पोजिशन पर है 2^1। ठीक है, प्लस होने वाली 0 का हुआ है कि पोजिशन पर है 0, 1, 2 वाली पोजिशन पर है, तो आप करना 0^2। ठीक है, फिर ए वाला 1 आ जाऊगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय कि पोजिशन पर है 0, 1, 2, 3 पोजिशन पर है, तो 2^3। ठीक है, पॉइंट तो इधर लेना किमें करना, पॉइंट तो इधर लेना किमें करना, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय पॉइंट तो इधर लेना की करना -1 मल्टीप्लाई बाय 2^-1 अगे की है 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 कि पोजिशन पर है -1, -2 तो 2^-2 इदा आप कैलकुलेट करना। ठीक है, हूँ इन्हों सारा वैल्यूज दिखने 2^0, किसी भी चीज़ का 0^ कितना होता है हमेशा 1 होता, चाहे 3^0 है वह भी 1 होगा, 8^0 वो भी की है 1 होगा, किसी भी चीज़ का 0^ वो कहे बराबर होंगे 1 के बराबर होंगे। ठीक है, तो 2^0। ठीक है, मतलब 2 नू आप किन्ने वारी 0 वारी। ठीक है, तो ये की हो जाएगा 1+1 मल्टीप्लाई बाय 0 ना मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2^1 कितना होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 का स्केयर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 का क्यूब की होगा मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 8। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 ये हो गया। उस तो बाद जिथे -2 है, अगर अपना -2 है तो वह की होंगे 2^-2 है, -1 है, तो यदा की मतलब है जो आप न्यूमिनेटर डिनोमीनेटर कन्वर्ट कर देना। ठीक है, 1/2 करके यदा 0^ की है 1 हो जाएगा। ठीक है, नोमीनेटर डिनोमीनेटर कन्वर्ट कर देना। ठीक है, अगर 2^-2 है तो यह बन जूगा 1/2। ठीक है, तो ये आप हम की करा 1^(1^2) 1/2। ठीक है, प्लस 0^(1/2)2। ये कि हो जाएगा 8, 0 4 0, 2×1 2 प्लस 0। ठीक है, प्लस 1/2 कि होंगे
0.5, ठीक है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 द स्क्वायर कितना होगा 4, 1 बटा 4, 1 बाय 4, ठीक है। तो एक ही आ जाऊंगा 10 प्लस 0.5 प्लस 0, 0 आ जाऊ है, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाऊ अपना 10.5 बेस 10, ठीक है। तो ए वाले नू अगर आप बाइनरी नू डेसिमल कन्वर्ट करना है तो वो 10.5 होगी, ठीक है। बाइनरी नू डेसिमल करना है तो बेस के लिए 2 यूज करना है, तो प्लेस वैल्यू नहीं मल्टीप्लाई करना है। 0 वाली जगह नू 2 रेस्ट पावर 0 ना मल्टीप्लाई करना है, 1 वाली नू 10 वाली नू 2 रेस्ट पावर 1 वाली ना, 100 वाली नू 2 रेस्ट पावर 2 वाली ना, इदा कंटिन्यू करी जाना है। इधरले पासे की है -1 -2 वाले नाल मल्टीप्लाई करी जाना है, ठीक है। तो ए सी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। अगे आप देखते हैं राजे ऑक्टल टू डेसिमल, हम की देखा ऑक्टल टू डेसिमल कि कन्वर्ट करना है। कोई भी ऑक्टल नंबर है उन्हों किसी भी डेसिमल नंबर के बदलना, ठीक है। ऑक्टल का बेस कितना होता है, ऑक्टल का बेस इज 8, डेसिमल का है 10, ऑक्टल का बेस है 8, ठीक है। आप कोई एग्जाम्पल लेने 305.6, ये अपना ऑक्टल नंबर है, इनू आप बदलना डेसिमल नंबर के बदलना, ठीक है। ऑक्टल नंबर नू डेसिमल च बदलना, ऑक्टल का बेस है 8, तो जिवें आप पहले डिस्कस किया बाइनरी लिए उदा ही इधर की होगा पॉइंट इधरले पास 8 रेज टू पावर 0, 8 रेज टू पावर 1, 8 रेज टू पावर 2, तो इदा कंटिन्यू करना है, ठीक है। पॉइंट तो इधर 8 रेज टू पावर 1 -1, 8 रेज टू पावर -2, तो एक ही इन्ना प्लेस वैल्यूज़ नू इन्ना नाल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि यदा ऑक्टल का बेस 8 है तो करके 8 कंसीडर करना है, ठीक है। हम 305 है, 5 कि प्लेस से है, ए वाली प्लेस से है, 1 वाली प्लेस से, यूनिट्स वाली प्लेस से, ठीक है। तो इन 5 का मल्टीप्लाई करना है 8 रेज टू पावर 0 ना, प्लस 0 कि पोजिशन पर है 10 वाली, तो इन कि मल्टीप्लाई करना है 8 रेज टू पावर 1 ना, 0 मल्टीप्लाई बाय 8 तो बाद की आएगा 1, ठीक है। 3 कि 1 पर है 0 1 2 वाली पोजिशन पर है, तो इन मल्टीप्लाई करना है 8 रेज टू पावर 2 ना, प्लस 0.6 की है, पॉइंट तो इधरले पासे है, तो पॉइंट तो 6 नू कादे ना मल्टीप्लाई करना 8 रेज टू पावर -1, ठीक है। क्लियर है हुण इस तो बाद की है, हाँ जी राजे, तो ये की है 8 रेज टू पावर 0 कितना होंगे 1, क्योंकि किसी भी रेज टू पावर 0 1, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8 रेज टू पावर 1 8 होगा मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 8 का स्केयर कितना होंगे 64 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय, अगर पावर -1 है तो आपको की करना है नोमीनेटर नू डिनोमीनेटर दे विच बदल लेना, ठीक है। तो 1 बाय 8 आ जाएगा 8 रेज टू पावर 1, ठीक है। तो ये आप देखेंगे 3 इंटू 64 कितना होगा 192 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8 0 होगा, 5 इंटू 1 5 होगा, ये हो जाएगा प्लस 6 डिवाइड बाय 8, ठीक है। ये कि हो जाएगा 197 प्लस 6 डिवाइड बाय 8 कि होगा राजे 6 डिवाइड बाय 8 होगा 0.75, तो अपना आंसर आऊगा 197.75 की है डेसिमल दी वैल्यू, क्लियर। तो ऑक्टल नंबर नू डेसिमल च कन्वर्ट करन लई की है आपां नू 8 दे बेस दे अकॉर्डिंग 8 रेज टू पावर 0 अगर वो 0 पोजिशन पर है, 8 रेज टू पावर 1 अगर वो 1 पोजिशन पर है, 8 रेज टू पावर 2 अगर वो 2 पोजिशन पर है, ठीक है। अगर पॉइंट तो इधरले पास है तो पावर वो की है -1 -2 हो जाएगा, ओके। नाउ थर्ड इज आर हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल, हेक्सा डेसिमल नू डेसिमल च बदलना, ठीक है। हेक्सा डेसिमल का बेस कितना 16, ठीक है। तो जिवें आप पहला लाइन च देखिया 16 रेज टू पावर 0 होगा 0 पोजिशन पर,
अगले नू 16 रेस्ट पावर 1 ना मल्टीप्लाई करना, अगले नू 16 रेस्ट पावर 2 ना इदा कंटिन्यू करी जाना। तो इधर पॉइंट तो इधरले पास की होगा 16 रेस्ट पावर माइनस 1, 16 रेस्ट पावर माइनस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, आप कोई एग्जाम्पल लेने, ए 16 नाल क्यों किया, क्योंकि की है बेस हेक्साडेसिमल दा की है 16 होगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल लेने 3FA.8, ये हैगा अपना हेक्साडेसिमल बेस कितना 16। ठीक है, इनू आप कन्वर्ट करना है डेसिमल दे विच। ठीक है, एफ दी वैल्यू कितनी होंगी है ना, जो टेबल चपा देखिए, एफ दी वैल्यू होंगी 15, ए दी वैल्यू कितनी होंगी है 10। ठीक है, एफ इज 15 क्योंकि 9 तो बाद हेक्साडेसिमल दे विच की स्टार्ट होंगे, ए बी सी डी ई एफ, ए 10 होगा। ठीक है, एफ की है 15 होगा अपना। ठीक है, नाउ ए केड़ी पोजिशन पर है, जीरो पोजिशन पर है, तो ए नू मतलब 10 नू आप का मल्टीप्लाई करेंगे 16 रेज टू पावर 0 ना, प्लस एफ नू यानी कि 15 नू मल्टीप्लाई करेंगे 16 रेज टू पावर 1 दे नाल, 3 नू मल्टीप्लाई करेंगे 16 रेज टू पावर 2 दे नाल, प्लस पॉइंट तो इधरले पासे है 8, 8 नू मल्टीप्लाई करेंगे 16 रेज टू पावर माइनस 1 दे नाल। ठीक है, 16 रेज टू पावर 0 कितना होगा, किसी भी रेज टू पावर 0 कितना होता है 1, तैयार जुगा 10 रेज टू पावर 1। ठीक है, उस बार 15 मल्टीप्लाई बाय 16 आऊगा, 16 रेज टू पावर 1 16 होंगे। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 256, 16 द स्केयर कितना 256 होगा, प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 16 रेज टू पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, नोमिनेटर नो डिनोमिनेटर दे विच बदल देंगे। ठीक है, तो हम आप अगे मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10। ठीक है, प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 16 240, प्लस 256 मल्टीप्लाई बाय 3 768, प्लस 8 डिवाइड बाय 16 ये कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 कितना होगा 0.5, इन्हें सारे नु ऐड करके अपने को आऊगा 1018 प्लस 0.5 ये कितना 1018.5 एक ही आ गया अपना डेसिमल कन्वर्जन आ गया। ठीक है, तो ये सीखे तिन्ने कन्वर्जन, बाइनरी इनटू डेसिमल, ऑक्टल इनटू डेसिमल, तो हेक्साडेसिमल इनटू डेसिमल। जो किसी चीज़ को भी डेसिमल दे विच कन्वर्ट करना है तो जिन्ना वह बेस है, बेस रेज टू पावर 0, बेस रेज टू पावर 1, बेस रेज टू पावर 2 पॉइंट तो इधरले पास करना है, तो बेस रेज टू पावर माइनस 1 तो माइनस 2 पॉइंट तो इधरले पास करना है कंटिन्यू। ठीक है, दिस वॉज अ कन्वर्जन। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।